कृषि जगत में आज तेजी से विकास हो रहा है। भूमि की जुताई और रोपाई से लेकर फसल की कटाई और मिंजाई, सब कुछ अत्याधुनिक मशीनों से हो रहा है। विकास के इस दौर में पुरानी और परंपरागत रूप में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का प्रयोग अब भी हमारे बहुत से किसान कर रहे हैं। निम्न और मध्यम वर्ग के किसान जो आर्थिक अभाव में इन उच्च तकनीक वाली मशीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जरा सोचिए उन किसानों का और कृषि का विकास कैसे संभव हो सकता है। ऐसे किसानों की संख्या भी कम नहीं है, इसलिए आज भी कृषि के विकास और विस्तार के लिए, इन छोटे किसानों के हित के लिए कुछ और शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि कैसे ये किसान परंपरागत रूप से ही कम लागत लगाकर अधिक लाभ अर्जन कर सकें। आज भी ये छोटे किसान खेत की जुताई से मिंजाई तक पशु श्रम का ही उपयोग करते हैं। इनकी कृषि का एकमात्र साधन बैलों के साथ उपयोग की जाने वाले उपकरण ही हैं। परंपरागत तकनीक को आधुनिक रूप प्रदान किया जाए जिससे फसल की पैदावार बढ़ सके, साथ ही कम लागत पर आसानी से कृषकों के द्वारा उपयोग किया जा सके। शोध और परीक्षण किए गए हैं और उसी अनुसंधान के परिणाम स्वरूप बैल चलित नवीन कृषि उपकरणों का विकास किया गया। इस देसी हल को और अधिक कारगर बनाने कृषि वैज्ञानिकों ने नया उन्नत हल विकसित किया है जिसे तेंदुआ आयरन प्लाउ कहा जाता है। इस उपयोगी कृषि यंत्र के सभी भाग लोहे के बने होते हैं, इसके बावजूद ये देसी हल से हल्का होता है। इसका वजन 9 से 10 किलोग्राम होता है। इस यंत्र की क्षमता 0.18 से 0.22 हेक्टेयर प्रतिदिन होती है। बीम सहित इस यंत्र की कीमत 2015 रुपए है। हल्के होने के कारण छोटे बैल भी इसे आसानी से खींच सकते हैं और घिस जाने पर हल का शेयर आसानी से बदला जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोहार के द्वारा भी इसे आसानी से सुधारा जा सकता है। यह यंत्र तेंदुआ हल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका आकार बिल्कुल देशी हल जैसा है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है और ज़्यादा सालों तक चलता है। तेंदुआ हल की खासियत यह है कि यह पूर्ण लोहे का बना होने के कारण ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका जो शेयर या फार जिसको हम कहते हैं, वो उसको घिस जाने पे बदला भी जा सकता है। जुताई के बाद खेत में पड़े मिट्टी के ढेलों को हमेशा की तरह मानव श्रम से फोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब मिट्टी का ढेला फोड़ने और खेत मताने के लिए एक नवीन उपकरण विकसित किया गया है जिसे पडलर या ढेला फोड़ने का यंत्र कहा जाता है। ये यंत्र पुरानी परंपरागत तकनीक से बेहतर है और इससे समय और श्रम की बचत होती है। इसका उपयोग केवल एक जोड़ी बैल से हो सकता है और इसमें लगे लोहे के पैडल मिट्टी के ढेलों को आसानी से फोड़ते हैं। इस यंत्र का वजन है 45 किलोग्राम। यंत्र की क्षमता है 1 से 1.5 हेक्टेयर प्रतिदिन और बिना बीम के यंत्र की कीमत है 5,425 रुपए। इस यंत्र का उपयोग बहुत आसान है, साथ ही इसके बहुत से फायदे भी हैं। इसके प्रयोग से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और कुछ समस्या आने पर इसे गांव के लोहार के द्वारा सुधारा भी जा सकता है। पहले किसानों के द्वारा परंपरागत रूप से बुआई की जाती थी जिससे फसल कहीं सघन कहीं विरल होती थी, जिसके उपरांत कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप कतारबद्ध बुआई की जाने लगी और इस पद्धति से बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इस पद्धति को और सरल और कारगर बनाने के लिए कतारबद्ध बुआई के लिए एक नवीन उपकरण विकसित किया गया है जिसे भोरमदेव सीड ड्रिल मशीन के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र का वजन 20 किलोग्राम होता है। इस यंत्र की क्षमता 0.8 से 1 हेक्टेयर प्रतिदिन होती है। इस यंत्र की कीमत बीम के साथ 2,060 रुपए होती है।
इस यंत्र के द्वारा कम समय में अधिक बुआई की जा सकती है। इसमें एक साथ चार कतारों में बुआई की जा सकती है। ये यंत्र खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र के द्वारा सभी प्रकार के धान्य फसलों की बुआई की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे गांव के लोहार के द्वारा आसानी से सुधारा जा सकता है। इस यंत्र का नाम भोरमदेव सीड ड्रिल है, यानी भोरमदेव बीज बुआई यंत्र। इस यंत्र की विशेषता यह है कि यह एक साथ चार कतारों में बुआई कर सकता है। खेत में बियासी के दौरान फसलों को कम क्षति हो और कार्य अल्प समयावधि में पूर्ण हो, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बियासी हल नामक एक नवीन उपकरण विकसित किया गया है, जो परंपरागत तकनीक की तुलना में अधिक कारगर है। इसमें परंपरागत रूप से बियासी किए जाने पर फसलों को होने वाले नुकसान की संभावना कम हो जाती है और इसके प्रयोग से खेतों में अच्छा पोला बनता है, जो पौधों के विकास के लिए लाभदायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें समय कम लगता है और इसके द्वारा पानी भरे और सूखे दोनों ही खेतों में बियासी की जा सकती है। इस यंत्र का वजन है 14 किलोग्राम। इस यंत्र की क्षमता है 1 एकड़ प्रतिदिन। इस यंत्र की कीमत है बिना बीम के 1250 रुपए। परंपरागत रूप से बैलों को हल और अन्य कृषि उपकरणों से बांधने के लिए उपयोग किया जाने वाला जूड़ा वैसे तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये भारी होता है। ध्यान देने योग्य बात तो ये थी कि क्या हम बैलों की ऊर्जा का समुचित उपयोग कर पा रहे हैं, क्या पशुओं को उनकी जूड़ा से असुविधा होती है। शोध के परिणाम स्वरूप एक नवीन यंत्र विकसित किया गया, जिसे इंदिरा जूड़ा कहा जाता है। ये जूड़ा हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। हल्का होने के कारण बैलों की ऊर्जा और गति में बढ़ोतरी होती है, जिससे कार्य अवधि में कमी आती है। जूड़ा का वजन और जूड़ा की लंबाई 1370 मिलीमीटर होती है। इंदिरा जूड़ा के बैलों की शारीरिक बनावट के अनुरूप विकसित किया गया है, जिससे इनकी कार्य क्षमता देसी जूड़ा की तुलना में बढ़ जाती है। ये सामान्यतया बेर की लकड़ी का बना होता है, लेकिन इसे अन्य किसी लकड़ी से भी बनाया जा सकता है। यह जूड़ा देशी जूड़े की तुलना में वजन में हल्का है तथा इसमें जो गोलाई दी गई है वो गोलाई जो बैल है जो कृषि कार्यों में उपयोग किए जाते हैं उनका हम्प जिसे कहते हैं, या जो गर्दन के पीछे जो गोलाई उठा हुआ भाग रहता है, उस गोलाई के हिसाब से इसको बनाया गया है ताकि ये उनके उस गोलाई के साथ चिपक के काम करता है तथा बैलों की शक्ति का अधिकतम उपयोग यंत्रों को खींचने में किया जा सकता है। छोटे और मंझोले कृषकों को विकास की धारा में जोड़ने और कृषि तकनीक के विकास के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा एक बहुउद्देशी टूल फ्रेम तैयार किया गया है। इस फ्रेम के द्वारा खेत तैयार करना, मिट्टी के ढेले तोड़कर खेत को समतल करना, बुआई, निंदाई और मेड़ तैयार करने जैसे कार्य किए जा सकते हैं और ये सब कार्य केवल एक जोड़ी बैल से किए जा सकते हैं। परंपरागत रूप से कृषि कार्य अत्यधिक श्रम और समय लेता है, जबकि इस बहुउद्देशी टूल फ्रेम के उपयोग से कार्य का निष्पादन आसान और समय पर हो जाता है। इस यंत्र की जुताई क्षमता होती है 0.0958 हेक्टेयर प्रति घंटा। इसकी बुआई क्षमता है 0.137 हेक्टेयर प्रति घंटा और इसकी निंदाई क्षमता है 0.129 हेक्टेयर प्रति घंटा। इस टूल फ्रेम की उपयोगिता ये है कि इसमें एक ही फ्रेम में अलग अलग यंत्र लगाकर आवश्यकता अनुसार कार्य किए जा सकते हैं। इससे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। इस यंत्र के द्वारा खेतों की गहरी जुताई होती है, जिसके कारण दो नालियों के बीच मेड़ की ऊंचाई ज्यादा होती है, जो अच्छे उत्पादन में सहायक होता है। इस यंत्र को इस तरह से बनाया गया है कि यह सूखे खेत में ढेला फुड़ाई का कार्य कर सके और जब खेत गीला हो और उसमें मताई करना हो तो वो खेत की मताई भी कर सके। कृषक भाइयों को कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित तेंदुआ आयरन प्लाउ पडलर या ढेला फोड़ने का यंत्र भोरमदेव सीड ड्रिल
82 हल, इंदिरा जुड़ा और बहुद्देशीय टूल फ्रेम, इन उपकरणों के उपयोग के साथ इनके रख रखाव की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इन उपकरणों को जंग लगने और खराब होने से बचाने के लिए पेंट, जला हुआ तेल या ग्रीस लगाकर इन्हें रखना चाहिए। समय समय पर नट बोल्ट कसते रहना चाहिए और काम समाप्त होने के बाद यंत्रों को साफ कर पानी से बचाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए और घिसे हुए भाग को आवश्यकतानुसार बदलते रहना चाहिए।